हेलो स्टूडेंट्स, देखिए आज के इस लेक्चर में 15 इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इन टर्म्स का जो यूज़ है वो पूरे चैप्टर में आपको ऐसा नहीं दिखेगा कि किसी प्रोसेस में इन टर्म्स का यूज़ हो रहा है, इसी वजह से इन टर्म्स को हम नहीं पढ़ते हैं, इन टर्म्स को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली हम रिवाइज़ नहीं करते हैं और इन टर्म्स से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो 15 इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू एक्सक्रीटरी सिस्टम आज पढ़ने जा रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने जा रहा है क्योंकि ये 15 टर्म्स में से कन्फर्म है कि क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप पिछले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको इन टर्म्स से क्वेश्चन मिलेंगे और जनरली इन टर्म्स को हम इग्नोर कर देते हैं और हमारे क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो 15 टर्म्स आपके सामने आएंगे, एक एक करके इन 15 टर्म्स को यहाँ पर लिखते हैं और फिर उन सारे टर्म्स को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, उनके मीनिंग को डिस्कस करेंगे। देखिए पहला टर्म है मिक्चुरेशन, दूसरा टर्म है पॉलीयूरिया, तीसरा है ओलिगोयूरिया, चौथा है एन्यूरिया, पांचवा है डिस यूरिया, पांच हो गए, अगले पांच पाई यूरिया, हिमैटो यूरिया, कीटो यूरिया, प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोसूरिया, पांच और हो गए। फिर देखिए पांच गाउट, देन सिस्टाइटिस, देन यूरेमिया, देन ब्राइट्स डिजीज और लास्ट में एक और टर्म आपको बता देते हैं, एल्केप्टोन्यूरिया। ठीक है, बेसिकली एल्केप्टोन्यूरिया आपके जेनेटिक्स में भी आएगा। तो चलिए ये 15 टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, एक एक करके हम सबके बारे में डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि ये टर्म्स क्या है। देखिए पॉली यूरिया, मिक्चुरेशन, ओलिगो यूरिया, एन यूरिया एंड डिस यूरिया, ये पहले के पाँच है। तो मिक्चुरेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ यूरिन, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ यूरिन को हम मिक्चुरेशन कहते हैं। उसी तरह पॉली यूरिया, अगर मिक्चुरेशन जब हम कर रहे हैं या उस समय ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन ज़्यादा हो रहा है, तो उसे हम पॉली यूरिया कहते हैं। ओलिगो यूरिया, जब फॉर्मेशन ऑफ यूरिन कम हो रहा है तो हम पास आउट भी यूरिन का कम कर रहे हैं। एन यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिन बंद है, यानी कि कभी हम वॉशरूम जा ही नहीं रहे, कभी हम मिक्चुरेशन कर ही नहीं रहे हैं, उस कंडीशन को एन यूरिया कहते हैं। डिस यूरिया, पेनफुल मिक्चुरेशन, ठीक है ना, जब हम मिक्चुरेशन कर रहे हैं, जब हम यूरिन पास आउट कर रहे हैं, तो अगर पेनफुल कंडीशन है तो उसे हम कहते हैं डिस यूरिया। उसी तरह देखिए अगला टर्म पाई यूरिया, पाई यूरिया इज बेसिकली पस प्रेजेंट इन द यूरिन और WBC प्रेजेंट इन द यूरिन को हम पाई यूरिया कहते हैं। हिमैटो यूरिया, हिमैटो यूरिया का मतलब है RBC प्रेजेंट इन द यूरिन। अगला है कीटो यूरिया, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन द यूरिन, और इसका एक दूसरा टर्म भी होता है जिसे हम कहते हैं कीटोसिस। ठीक है, अगर कीटो यूरिया दिया है तो उसे कीटोसिस दिया है, तो एक ही मतलब है, कीटोन बॉडीज प्रेजेंट इन द यूरिन। उसी तरह प्रोटीन यूरिया, प्रोटीन प्रेजेंट इन द यूरिन। ग्लाइकोस यूरिया या ग्लाइकोन्यूरिया भी कहते हैं, ग्लूकोज प्रेजेंट इन द यूरिन। उसी तरह देखिए गाउट, गाउट होता है जब यूरिक एसिड हमारे ब्लड में पाया जाए, यानी कि एक्सक्रीशन सही से नहीं हो पा रहा है, यूरिक एसिड बॉडी से नहीं निकल पा रही है, तो हमारे बॉडी में यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाएगा, बेसिकली जॉइंट्स पे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन हो जाता है जिसकी वजह से पेन होता है, उस कंडीशन को गाउट कहते हैं। अगला देखिए यूरेमिया, यूरेमिया मतलब यूरिया हमारे बॉडी में, हमारे ब्लड में ज़्यादा पाया जा रहा है, चूँकि एक्सक्रीशन सही से नहीं हो पा रहा है, इस वजह से यूरिया हमारे ब्लड में ज़्यादा हो जा रही है, कंडीशन को यूरेमिया कहते हैं। फिर देखिए सिस्टाइटिस, हम जानते हैं कहीं भी आइटिस वर्ड यूज़ किया तो वो इन्फ्लामेशन के लिए है, तो सिस्टाइटिस बेसिकली यूरिनरी ब्लैडर के इन्फ्लामेशन को कहते हैं। ब्राइट्स डिजीज़,
किडनी के इन्फ्लामेशन को ब्राइट्स डिजीज़ कहते हैं, और ये आपको बताया जाएगा जब मेंडलिज्म हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में कि मेंडल की डेथ भी ब्राइट्स डिजीज़ से हुई थी। देखिए ब्राइट डिजीज़ को हम किडनी का इन्फ्लामेशन कहते हैं या नेफ्रॉन का इन्फ्लामेशन कहते हैं, एक ही बात है, क्योंकि हम जानते हैं नेफ्रॉन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किडनी का। लास्ट में एलकैप्टोन यूरिया है, एलकैप्टोन प्रेजेंट इन द यूरिन, जिसको हम कह सकते हैं एलकैप्टोन प्रेजेंट इन द यूरिन या होमोजेनेटिसिक एसिड प्रेजेंट इन द यूरिन। ऐसा इसलिए होगा जब होमोजेनेटिसिक एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम की डिफिशेंसी होगी तो होमोजेनेटिसिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा हमारे यूरिन में, ठीक है। तो ये देखिए 15 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, मिक्चुरेशन, पॉली यूरिया, ओलिगो यूरिया, एन यूरिया, डिस यूरिया, पाई यूरिया, हिमैटो यूरिया, कीटो यूरिया, प्रोटीन यूरिया, ग्लाइकोस यूरिया, गाउट, यूरेमिया, सिस्टाइटिस, ब्राइस डिजीज एंड एलकैप्टोन यूरिया, 15 टर्म्स। इसके अलावा और भी कोई टर्म्स हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ इतना ही आपको याद करना है, मिनिमम इतना तो याद करना ही है। जैसे एक टर्म मुझे और याद आ रहा है, पॉलीडिप्सिया, पॉलीडिप्सिया, चलिए यहाँ लिख भी देते हैं, ठीक है। वैसे तो 15 की बात हुई थी लेकिन एक और हो जाएगा, वो है पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया कंडीशन होती है जब हम लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक करते हैं, उस कंडीशन को पॉलीडिप्सिया कहते हैं। तो ये कुछ टर्म्स हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने फ्रेंड्स को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। थैंक यू।